हेलो दोस्तों, ये मैंने अभी हैवल्स का लॉयड करके एसी आता है, हैवल्स कंपनी का, वो लगवाया है। तो मैं आज देख रहा हूँ कि ये कितना यूनिट चार्ज करता है एक नाइट में। तो ये मीटर लेके आया था मैं चावड़ी बाजार चांदनी चौक से, सॉरी चांदनी चौक से मीटर लेके आया था। 250 रुपये का है ये डिजिटल मीटर, आप देख सकते हो। और अभी भी रीडिंग इसकी 0-0 आ रही है, और ये हमने MCB लगा के इसको लगा दिया है। तो हम देखते हैं कि एक नाइट में कितना यूनिट कंज्यूम करता है हमारा एसी। डेड टन का एसी है, 3 स्टार एसी है। आपको दिखा देता हूँ मैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये डेड टन का एसी है, 3 स्टार हैवल्स कंपनी लॉयड करके। और जो मेरे रूम की साइज़ बता दो आपको, 10 बाई 11 का रूम है। आज तो थोड़ी सफाई है, इस वजह से ठीक लग रहा है, नहीं बाकी स्पेस नहीं रहता, बहुत कम रहता है। अभी मैं आपको टाइम बता देता हूँ, रात के करीबन 11:11 हो रही है, और रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा, डिजिटल लॉक घड़ी थी ये ख़राब हो गई थी, इसका सेल नहीं है मेरे पास, तो मैं इसको ये चार्जर लगा के चला रहा हूँ, चार्जर की तार से। देखिए आप, तो इसमें टेम्परेचर 30 डिग्री दिखा रहा है हमारे को। जैसे जैसे नाइट होती जाएगी तो टेम्परेचर भी कम होता जाएगा। ये सब चीज़ें बहुत डिपेंड करती है टेम्परेचर को, कि एक रात में कितने यूनिट की बिजली कंज्यूम करेगा ऐसी। तो लगभग लगभग आप देखिए 11 बज गए हैं, और सुबह के 6 बजे तक चलेगा, तो करीबन 7 घंटे। अब हम बाहर का टेम्परेचर चेक कर लेते हैं एक बार। अभी बाहर का टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो देखिए जैसे जैसे सुबह होती जाएगी तो टेम्परेचर बाहर का गिरता जाएगा, टेम्परेचर गिरता जाएगा तो कूलिंग जल्दी होगी, इसलिए लोड कम होता जाता है नाइट में जैसे सुबह होगी। तो ये हमारा बाहर इंडोर आउटडोर लगा हुआ है, मैंने इसको छाया में लगवाया है बिल्कुल छज्जे के नीचे, जिससे कि एनी टाइम इस पर छाया रहे, धूप ना आए अगर दिन में भी चलाऊँ तो। मैं यहाँ पे सनलाइट नहीं आती बिल्कुल भी। आपसे मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अगर ऐसे लगवाते हो तो उसको आउटडोर को छाया में लगवाएं, जिससे कि लाइट कंज्यूम कम हो आपकी। मैंने इसमें कोई भी पाइप एक्स्ट्रा नहीं लगवाई, जो पाइप आई थी इसके साथ वही पाइप लगी हुई है 10 फुट की। और जो लॉयड का मैंने एसी लिया है, मैं ऑनलाइन परचेज करा, मैंने ये मुझे पड़ा था ऑफर के, ऑफर मिलने के बाद मेरे को 30,000 का पड़ा है ये। तो अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ और देखते हैं कि कितना लोड लेता है और सुबह तक कितना यूनिट चार्ज करेगा मेरा। अभी आप मीटर में देख सकते हो, मीटर में पूरी रीडिंग 0-0 है, ठीक है जी। यह इसमें डेट दिखा रहा है, डेट, और ये मुझे पता नहीं शायद ये टाइमर चल रहा है। और ये 230 वाट जो सप्लाई आ रही है हमारे को, हमारी एसी सप्लाई आ रही है, वो शो कर रहा है हमारे को यहाँ पे। और एल का मतलब ये लोड है। अभी देखिए आप, बिल्कुल लोड नहीं है तो 0.4 आ रहा है। जैसे मैं एसी को ऑन करूँगा आप देख, वहाँ देखिए लोड बढ़ जाएगा। ये देखिए हमारा एसी ऑन हो गया, वहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है 25। अब ये देखिए लोड बढ़ रहा है हमारा। अभी जैसे ही कंप्रेसर ऑन होएगा तो और बढ़ेगा लोड। ये देखो अब यूनिट शो कर रहा है, तो वापस से प्रेस करना पड़ेगा उसको। देखिए हमारा लोड बढ़ता जा रहा है 2.86। जैसे मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो ये 3 से 3.5 चला जाएगा, पर ये कम भी होता रहेगा और बढ़ता भी रहेगा सर पूरी नाइट में। बाकी रीडिंग आपको मैं दिखा देता हूँ, सुबह दिखाऊंगा कितनी रीडिंग रही। ये देखिए कंप्रेसर मेरा ऑन हो गया, जैसे कंप्रेसर डेड टन का एसी है, कंप्रेसर ऑन हुआ तो आप लोड देख सकते हो 4 के नज़दीक जाने वाला है। और ये अभी रीडिंग यहाँ पे यूनिट शो करेगा, तो यूनिट मेरी 0 है, और सुबह तक देखते हैं कितनी यूनिट निकलती है। रूम बता दो आपको, 10 बाई 11 का रूम है, छोटा सा रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, बस इतना ही है। बाकी मेरे रूम में क्या सामान बहुत ज़्यादा ऐसे ही रखा हुआ है, वो थोड़ा सी अभी सफाई कर रखी थी इसलिए हिसाब से पाइए हो। अगर मेरा सामान खाली रूम रहेगा तो आपका लोड कम रहेगा, कूलिंग जल्दी होगी, ये सिचुएशन है कमरे की। तो मैं इसकी सब जो सप्लाई मोटर्स, फैन मोटर है, वो मैं 3 स्पीड में चला रहा हूँ, टेम्परेचर 25 है। अब सुबह देखते हैं कि कितना यूनिट जनरेट करता है। तकरीबन अभी रात के 2 बज रहे हैं, और 2 यूनिट निकल चुकी है, और टेम्परेचर वही 25 पे है अभी भी।
ये देखिए 5 बज चुके हैं, 2 के बाद में मतलब 3 4 5 3 घंटे हो गए, और तब हमने इसको एसी को 2:29 पे सेट करा था। ये देखिए अभी भी 29 पे है, 29 पे है, और वो 2 बजे भी 2 यूनिट आई रखी जनरेट थी, अभी भी 2 यूनिट जनरेट है। तो मतलब यह हुआ कि आप जितना लोड दोगे उतना यूनिट खींचेगा। मैं करीबन, मेरा अकेला अकेला रहता हूँ तो मैं 29 पे चलाता हूँ, और टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, सिंगल पर्सन रहता हूँ अकेला, तो मैं 29 पे चलाता हूँ इसको, तो तकरीबन शायद 1 या 1.5 यूनिट निकलती होगी सुबह के 5। सुबह हमने जब स्टार्टिंग में चलाई थी 3 घंटे, तो 2 यूनिट निकल जनरेट हो गई थी, और अभी जब चलाए 2 बजे से 5 बजे तक, तो अभी तक 3 यूनिट जनरेट नहीं हुई है।